5 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है। एक बड़ी खबर मिल रही है लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई। समाजवादी पार्टी ने अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। 5 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है। 20 दिन पहले पहली लिस्ट जारी की गई थी, जिसके बाद दूसरी लिस्ट कल जारी की गई थी, जिसमें कई बड़े नामों को शामिल किया गया था। अब 5 कैंडिडेट की लिस्ट जारी की गई है और बदायूं से शिवपाल यादव चुनाव लड़ेंगे, ये भी एक बड़ी खबर मिल रही है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शिवपाल यादव के नाम को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे कि शिवपाल यादव कहां से चुनाव लड़ेंगे। अब समाजवादी पार्टी की जो नई सूची जारी की गई है उसमें बताया कि शिवपाल यादव बदायूं से चुनाव लड़ेंगे। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, समाजवादी पार्टी ने अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर दी है और इस लिस्ट में शिवपाल यादव का नाम भी शामिल किया गया है, जो बदायूं से चुनाव लड़ेंगे। तो एक तरफ कांग्रेस और साथ ही समाजवादी पार्टी को लेकर लगातार कई बातें भी सामने आ रही हैं, आपसी तालमेल नहीं बैठ रहा है, और ऐसे में एक के बाद एक समाजवादी पार्टी अपनी 3 सूची जारी कर चुकी है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर एक और सूची समाजवादी पार्टी की तरफ से जारी कर दी गई है। इसमें 5 नामों को शामिल किया गया है और बदायूं से शिवपाल यादव चुनाव लड़ेंगे। तो समाजवादी पार्टी पहले भी इस सीट से जीतती आ रही है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तो बदायूं को समाजवादी पार्टी का गढ़ भी माना जाता रहा है, यहां पर मुस्लिम वोटर्स की संख्या काफी ज्यादा है। अब ऐसे में शिवपाल यादव जब यहां से चुनाव लड़ेंगे तो समाजवादी पार्टी को कितना फायदा होगा, यह देखने वाली बात होगी। और ज्यादा जानकारी के साथ में अलाउद्दीन फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अलाउद्दीन, एक और लिस्ट जारी कर दी है, 5 कैंडिडेट के नाम इसमें शामिल है। एक तो नाम जो सामने आया शिवपाल यादव का, 4 और कौन कौन से नाम इसमें शामिल है? देखिए, इकरा हसन को, जो मुनव्वर हसन की बेटी हैं, उनको कैराना लोकसभा से प्रत्याशी बनाया गया है। बदायूं से धर्मेंद्र यादव की सीट को चेंज कर दिया गया, यानी धर्मेंद्र यादव जो पहले प्रत्याशी घोषित थे उनकी जगह पर शिवपाल सिंह यादव को प्रत्याशी के तौर पर उतारा गया है। परवीन सिंह एरन को प्रत्याशी बरेली से बनाया गया, हमीरपुर से अजेंद्र सिंह राजपूत और सुरेंद्र सिंह पटेल वाराणसी। इसमें से देखिए, वाराणसी और बरेली की सीट कांग्रेस मांग रही थी, समाजवादी पार्टी ने वहां पर भी अपना प्रत्याशी अब उतार दिया है। तो अब इंडिया गठबंधन में बिल्कुल साफ हो गया है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से गठबंधन कोई होने वाला नहीं है। जबकि अमरोहा से जो समाजवादी पार्टी के एमएलए हैं महबूब अली मौजूदा, उनको जो है प्रत्याशी बनाया गया है, और साथ में राम अवतार सैनी को प्रभारी बनाया गया, यानी दोनों लोग मिलकर के चुनाव लड़ेंगे, मतलब लड़ाएंगे। कन्नौज आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव को प्रभारी बनाया गया है। बागपत से मनोज चौधरी को प्रभारी बनाया गया है। धर्मेंद्र यादव को इसका मतलब है कि कन्नौज या आजमगढ़ कहीं से चुनाव समाजवादी पार्टी लड़वा सकती है, प्रभारी बनवाने का ठीक ये मकसद, ये जो है मतलब निकाला जा सकता है। यानी धर्मेंद्र यादव की सीट को फिलहाल चेंज कर दिया गया है और शिवपाल सिंह यादव को वहां से उतारा गया है। तो फिलहाल समाजवादी पार्टी ने ये जो सीटें हैं इनमें से 2 सीटें कम से कम जो कांग्रेस मांग रही थी उस पर भी अपना दावा फिलहाल ठोक दिया है। तो कुल मिलाकर के समाजवादी पार्टी ने इकरा हसन, शिवपाल सिंह यादव, प्रवीण सिंह एरेन, अजेंद्र सिंह राजपूत और सुरेंद्र सिंह पटेल, जो कि समाजवादी पार्टी सरकार में मंत्री हुआ करते थे, पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर थे और कुर्मी बिरादरी से आए हैं वाराणसी से, इनको पहले प्रभारी बनाया गया था, इनको प्रत्याशी के रूप में उतार दिया गया है। तो समाजवादी पार्टी अब धीरे धीरे इकला चलो की राह पर चल रही है। और जिस तरह से न्यूज 18 ने भी आज सुबह बताया था कि जो है कांग्रेस के साथ गठबंधन होना बेहद मुश्किल है और अकेले ही चलना अब समाजवादी पार्टी खुद को मुनासिब समझ रही है। और आज का दिन लास्ट डे था जब जो अल्टीमेटम के हिसाब से था कि समाजवादी पार्टी ने कहा था कि अगर कोई फैसला कांग्रेस को लेना है तो आज लास्ट डे है, आज अगर फैसला नहीं हो पाएगा तो आगे कोई फैसला गठबंधन को लेकर के नहीं होगा। तो ऐसे में इस लिस्ट को देख कर कम से कम अब ये लगने लगा है कि अब तमाम चीजें लगभग खत्म हो गई हैं और उत्तर प्रदेश में भी इंडिया गठबंधन अलायंस लगभग लगभग खत्म हो गया है। उधर दूसरी तरफ
न्याय यात्रा जो लेकर के चल रहे हैं राहुल गांधी, वो लखनऊ में प्रवेश कर गई है। अखिलेश यादव ने साफ कह दिया है कि हम उसमें शामिल नहीं होंगे और साथ में समाजवादी पार्टी का कोई व्यक्ति नहीं शामिल होगा। तो अब चीजें बिल्कुल क्लियर हैं, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही है। यानी कि एक तरफ हम कह सकते हैं कि इंडी गठबंधन अब खंड खंड हो गया है, लेकिन यहाँ पर शिवपाल यादव का जो नाम है बदायूं सीट से सामने आया है और बदायूं से वो चुनाव लड़ेंगे। एक लंबा वक्त रहा जहां पर समाजवादी पार्टी बदायूं पर कब्जा करके रखा, उसके बाद में जब भाजपा की कैंडिडेट उतरती है वहां पर संघमित्र मौर्या, तो वहां पर एक बड़ा झटका समाजवादी पार्टी को लगा। अब क्या इसी का डैमेज कंट्रोल हम कह सकते हैं कि शिवपाल यादव को यहाँ से उतारा गया है? देखिए, वो बात के साथ साथ एक बात और है कि पिछले दिनों जो है सलीम इकबाल शेरवानी ने भी मास की उपस्थित इस्तीफा दिया और ये बात कही जाती है कि संगठन को सही चलाने का जिम्मा और संगठन को सही तरीके से जमीन पर उतारने की जो खूबी शिवपाल सिंह यादव के पास है वो खूबी किसी और व्यक्ति के पास नहीं है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि शिवपाल सिंह यादव के पास जिम्मेदारी और होगी कि जो रूठे हुए लोग हैं, जो जहाँ चाहे वो जो है पुराने विधायक वहाँ के हैं, क्योंकि बदायूं में एक बड़ी मुस्लिम आबादी भी है, उसको भी मैनेज करना उनकी जिम्मेदारी होगी। और कहीं ना कहीं से शिवपाल सिंह यादव इस मामले में माहिर भी रहे हैं। मैनपुरी का जो इलेक्शन था, आपने देखा होगा कि उस इलेक्शन में भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी शिवपाल सिंह यादव ने, जब डिंपल यादव वहां से जीती थी और उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र से यानी जसवंत नगर से 1 लाख से ज्यादा वोटों से जब लीड किया था तब जाकर के जो है उनकी जीत आसान हुई थी। तो ऐसे में आप साफ तौर से मान सकते हैं कि शिवपाल सिंह यादव को इसीलिए यहाँ उतारा गया है कि किसी तरह का कोई रिस्क नहीं होगा और खासतौर से समाजवादी पार्टी के लिए ये सीट थोड़ी सी आसान हो जाएगी। लेकिन अलाउद्दीन फिर भी इसे एक बड़ी चुनौती के तौर पर देख सकते हैं, क्योंकि पहले समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटका लगता है 2019 में, उसके बाद में जब यहाँ पर विधानसभा के इलेक्शन होते हैं, यहाँ पे विधानसभा की 6 सीटें आती हैं और उस वक्त भी 3 सीटें बीजेपी के खाते में गई, 3 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में गई, तो टक्कर उस वक्त भी कांटे की थी। है आजमगढ़ और कन्नौज से प्रभारी बनाया गया, तो माना जा रहा है कि कन्नौज से खुद अखिलेश यादव उतर सकते हैं और जबकि आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव को लड़वाया सकता है। हालांकि बाई इलेक्शन जो पिछला हुआ था उसमें धर्मेंद्र यादव चुनाव हार गए थे निरहुआ से और बहुत नजदीकी मामले में। तो ऐसा लगता है कि अब धर्मेंद्र यादव की सीट को शिफ्ट करके आजमगढ़ उनको दिया जाएगा और अखिलेश यादव खुद कन्नौज से लड़ेंगे जबकि उनकी पत्नी मैनपुरी से लड़ेंगी। तो कुल मिलाकर के अब परिवार के जो सदस्य हैं वो सीटें क्लियर हो गई है, बदायूं से शिवपाल सिंह यादव, फरुखाबाद से प्रोफेसर रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव और मैनपुरी से डिंपल यादव, कन्नौज से अखिलेश यादव खुद और आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव को, यानी 5 सीटें जो परिवार की है उसकी भी तस्वीर इस लिस्ट से लगभग साफ होती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि धर्मेंद्र यादव का क्षेत्र रहा है बदायूं और वो साल दर साल वहां मेहनत करते रहे हैं और उनको वहां जाना जाता रहा है, वहां से वो सांसद भी कई बार गए हैं। तो इकाई की सीट को चेंज होने के पीछे मकसद यही दिखाने की कोशिश है कि धर्मेंद्र यादव को आजमगढ़ शिफ्ट कर दिया जाए और शिवपाल सिंह यादव को जिम्मेदारी बताई हुई पूरी दे दी जाए। क्योंकि जिस तरह का सिनेरियो पिछले 3-4 दिनों में हुआ है उससे ऐसा लगता है कि सलीम इकबाल शेरवानी की बगावत के बाद कहीं मुस्लिम वोट छिटके ना और मुस्लिम वोट को एक रूप देने के लिए ऐसे में प्रयोग समाजवादी पार्टी कर रही है कि शिवपाल सिंह यादव उसको संभाल लेंगे, उन चीजों को संभाल लेंगे। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी से कौन प्रत्याशी वहां उतरता है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्या के पूरे एपिसोड के बाद भी चीजें पलटती गई हैं और पिछले 3-4 दिनों में उत्तर प्रदेश का जो सियासत है वो सिनेरियो बहुत तेजी से बदला है। उसमें चाहे स्वामी प्रसाद मौर्या का एपिसोड हो, चाहे सलीम इकबाल शेरवानी का एपिसोड हो, इधर इंडिया गठबंधन से समाजवादी पार्टी के लगभग अलग होने का एपिसोड हो, तो 3 दिनों में बहुत ज्यादा सियासी पारा बदला है, चेंज हुआ है। शायद इसी के मद्देनजर समाजवादी पार्टी ने ये फैसला किया है और चेंजेस के फैसले लेकर के आई है और साथ में लोकसभा सीट के ऊपर एक प्रभारी भी नियुक्त किया है, क्योंकि 2 लोग जब रहेंगे तो काम करना ज्यादा आसान होगा और आमतौर से नेताओं को जो प्रभारी बनाया जाता है तो उनको खुद में भी ऐसा लगता है कि मनोवैज्ञानिक रूप से कि वो जिम्मेदारी है कि उनको मिली है, काम करने की जिम्मेदारी मिली है, तो उससे वो खुद भी जोड़ कर देख पाते हैं। तो समाजवादी पार्टी ने नया ट्रेंड प्रभारी का जो निकाला है ये माना जा रहा है कि उससे भी समाजवादी पार्टी अब जब इकला चलो की राय पे चलेगी तो ज्यादा उसको सेफ जोन में उछल पाए, ऐसी कवायद की जा रही है। तो समाजवादी पार्टी ने अब एक और लिस्ट जो जारी की है उसमें 5 उम्मीदवार बनाए हैं। एक बार फिर से आपको बता देते हैं, कैराना से इकरा हसन प्रत्याशी हैं, बदायूं से शिवपाल सिंह यादव, बरेली से प्रवीण सिंह एरन और इसके अलावा हमीरपुर से अजेंद्र सिंह राजपूत प्रत्याशी बनाए गए हैं। वाराणसी की सीट की बात करें तो यहां पर सुरेंद्र सिंह पटेल को कैंडिडेट बनाया गया है। ये 5 नाम जो कि समाजवादी पार्टी की तरफ से जारी किए गए हैं और जानकारी साझा की गई कि ये 5 कैंडिडेट इन सीटों से चुनाव लड़ेंगे।
लेकिन अब बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी है कि धर्मेंद्र यादव कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? जी हाँ, बिल्कुल, मैं इसी सवाल का जवाब दे रहा था आपको कि दो जगहों से उनको प्रभारी बनाया गया है, कन्नौज से एक आजमगढ़ से, जो प्रथम दृष्टा प्रतीत हो रहा है कि उनको शिफ्ट आजमगढ़ किया जा सकता है, क्योंकि कन्नौज में लगातार अखिलेश यादव खुद भी दिखाई दे रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं। पिछले दिनों पीडीएस जो पंचायत थी उस पंचायत में वो शामिल हुए थे, लगातार वहां पर जिस तरह से शादी ब्याह और दूसरे जो कार्यक्रम है, किसी का निधन है, किसी की श्रद्धांजलि है, स्कूल का उद्घाटन है, कोई कार्यक्रम है, हर छोटे बड़े कार्यक्रम में अखिलेश यादव शामिल हो रहे हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि अखिलेश यादव खुद को कन्नौज से उतारेंगे, और क्योंकि जो है बाई इलेक्शन लड़ चुके हैं आजमगढ़ से धर्मेंद्र सिंह यादव, तो धर्मेंद्र यादव को वहां से किस्मत आजमाने की जिम्मेदारी दी जा सकती है, क्योंकि वहां का संगठन, वहां में काम करने के तौर तरीके से वो वाकिफ हो चुके हैं। शायद यही वजह है कि सीट को शिफ्ट किया गया है। हालांकि बात पहले ये चल रही थी कि शिवपाल सिंह यादव को आजमगढ़ से लड़वा दिया जाए, लेकिन मुझे लगता है अंदर खाने बातचीत बाद में ना बनी हो और परिवार में बात बनी हो कि नहीं जो है सीटों को जो है चेंज कर लिया जाए, क्योंकि बदायूं के साथ साथ आजमगढ़ दोनों सीटों का एक्सपीरियंस उनके पास मौजूद था। तो ऐसे में डैमेज कंट्रोल शिवपाल सिंह यादव बदायूं में कर सकते हैं, खासतौर से मुस्लिम वोट बैंक को लेकर के। शायद इन्हीं सब गणित को समझाने के लिए समाजवादी पार्टी ने सीटों को इंटरचेंज करने या प्रभारी के तौर पर ही भेजने का जो मन बनाया है, शायद इसके पीछे वजह यही है। बिल्कुल, और जिस तरह से हम बार बार कह रहे हैं कि एकला चलो की राजनीति पर अखिलेश यादव आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी तक जो लिस्ट जारी की गई है जिसमें परिवार के कई सदस्यों का नाम भी शामिल था, और उनको वही सीटें दी गई जहां पर समाजवादी पार्टी पहले से काफी ज्यादा मजबूत थी, ऐसे में देखकर लगता है कि अपने परिवार को साथ लेकर चल रही है, और जल्द ही इसका भी ऑफिशियली तौर पर अनाउंसमेंट भी हो सकता है कि अब कांग्रेस पार्टी के साथ भी गठबंधन नहीं रहा। देखिए, भारतीय राजनीति में जातिगत आंकड़े अब तमाम चीजों पर सर चढ़ कर बोलते हैं, और शायद यही वजह है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी जातिगत आंकड़ों को ध्यान में रख के ही टिकटों का बंटवारा और जीत हार के तमाम गणित को जमीन पर उतारने की कोशिश करती है। क्योंकि जब आप इन तमाम सीटों पर जातिगत आंकड़े देखेंगे तो समाजवादी पार्टी ये मान के चलती है कि उनके पास यादव और मुस्लिम वोट का बेस वोट है, उसके ऊपर अगर किसी जाति का वोट और मिलता है तो उसके लिए वो प्लस हो जाता है। तो ऐसे में इसी कोशिश को, इसी उधेड़ बुन को सही करने की दिशा में तमाम प्रत्याशी घोषित किए गए हैं, क्योंकि आप जब लिस्ट में आप देखेंगे तो अमरोहा से महबूब अली हैं, महबूब अली ऑलरेडी समाजवादी पार्टी की सरकार में कई बार मंत्री रहे हैं, मौजूदा वक्त में वो समाजवादी पार्टी से विधायक हैं, उस इलाके में उनकी अच्छी पकड़ है, और अमरोहा की सीट पे दावा ठोक रही थी कांग्रेस पार्टी, आपको याद होगा, दानिश अली वहां से मौजूदा सांसद हैं, जो गठबंधन था समाजवादी पार्टी का बसपा का 2019 का, उसमें दानिश अली बसपा के टिकट पे वहां से चुन के गए हैं। लोकसभा में जो बवाल उनके नाम पर हुआ तो आपको याद होगा, राहुल गांधी उनके घर गए थे, उनकी नजदीकियां जगजाहिर थी कांग्रेस के साथ, ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस उस सीट को लेगी अमरोहा से, उस पर दावा भी अपना ठोका था समाजवादी पार्टी ने, जो 17 सीटों की लिस्ट भेजी थी उसमें अमरोहा उनको देने का प्लान भी था। लेकिन यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी, अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। 5 नाम और जारी कर दिए गए हैं, और प्रत्याशियों की जो तीसरी लिस्ट है वो भी सामने आई है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? और अब सवाल कई सारे हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी के साथ में आगे गठबंधन रहेगा, क्योंकि एक के बाद एक जिस तरह से समाजवादी पार्टी लिस्ट जारी करती जा रही है, देखकर लगता है कि अब जल्द ही गठबंधन भी टूटने वाला है। देखिए, उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं और समाजवादी पार्टी उन कैंडिडेट को डिक्लेयर कर रही है जहां पे मजबूत है, जहां पे हम जीतेंगे, और जहां पे गठबंधन की बात है, और हम इंडिया गठबंधन के साथ पहले भी थे, इंडिया गठबंधन के साथ आज भी है, क्योंकि हमारा मकसद एक ही है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रखना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जनता के न्याय की बात नहीं करती है, वो जनता के हित की बात नहीं करती, ना किसान की बात करती है, ना महिलाओं की बात करती है, ना यहाँ पे युवाओं की बात करती है, इसलिए इन मुद्दों को लेकर हम सब एक साथ हैं। और उत्तर प्रदेश के अंदर में जहाँ तक चुनाव का मसला है, जहाँ तक टिकट की बात है, आप जानते ही हो कि समाजवादी पार्टी हमेशा से इन सीटों पे मजबूत रही है, और मजबूती से समाजवादी जीतती रही है। बनाए की सीट हमेशा समाजवादी पार्टी जीती, अगर पिछली बार का छोड़ दिया जाए तो उसके पहले समाजवादी पार्टी जीतती आई है, तो इन सीटों पे लेकिन अनुराग जी, आप कह रहे हैं जहां पर समाजवादी पार्टी मजबूत है वहां पर कैंडिडेट उतारे जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले जो दूसरी लिस्ट जारी की गई थी उसमें तो कुछ नाम ऐसे भी थे जहां पर कांग्रेस की पकड़ काफी ज्यादा मजबूत है, वहां पर भी समाजवादी पार्टी ने अपने कैंडिडेट उतार दिए। नहीं आती ये चिंता आपको क्यों है? मैं तो एनडीए के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ कि एनडीए गठबंधन में सीटें क्यों नहीं डिक्लेयर हो रही है, क्यों नहीं निषाद पार्टी कहाँ से लड़ेगी बता दिया जाए, कहाँ से लड़ेगी, अपना दल 8 सीटें मांग रही, सुना मैंने, वो कहाँ से लड़ेगी, उसकी तो बात होनी चाहिए ना, कहाँ से राजभर को कहाँ से देंगे।
हमारी इतनी चिंता, इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथी इस बार उत्तर प्रदेश में जीत रहे हैं, इसलिए वो इंडिया गठबंधन पे फोकस बनाए हुए हैं। भाई हम तो नहीं पूछ रहे हैं चिराग पासवान जी की हाजीपुर से लड़ेंगे कि उनके चचा लड़ेंगे, क्योंकि हमारा वो चिंता का विषय नहीं है। मेरा चिंता का विषय किसान है, युवा है, इसलिए हम उस पर बात करते हैं। ये हमारे गठबंधन की चिंता कर रहे हैं कि हम कहाँ से सीटें देंगे नहीं देंगे। अरे इतनी चिंता मेरी क्यों? इसके मतलब आप डरे हैं, आप सहमे हैं, तभी आप इस पे दूरबीन लगाए बैठे रहते हैं। सर मेरे डर का तो यहाँ पर सवाल ही पैदा नहीं होता ना। पहले आप लोग सारी पार्टियों को साथ में ले आते हैं, उसके बाद में आपसी सहमति नहीं होती है, एक के बाद दूसरे जो पार्टियां हैं वो भी आरोप लगाती है। इससे पहले जब लिस्ट जारी की गई तो कांग्रेस पार्टी ने ही सहमति उस पर नहीं जताई, तो सवाल तो सर यहाँ पर उठेंगे ना। बहरहाल हमारे साथ में जुड़ने के लिए सर बहुत शुक्रिया आपका। तो समाजवादी पार्टी ने तीसरी लिस्ट जारी कर दी है और साथ ही पांच कैंडिडेट जो कि अब उतारे गए हैं, और ये तीसरी लिस्ट थी। इससे पहले भी कल दूसरी लिस्ट जारी की, उसमें भी कई सारे नाम ऐसे थे जो कि यादव समाज से ही आते हैं, और भी कई लोगों को इस पे जगह दी गई है। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये कि कांग्रेस पार्टी के साथ में आगे गठबंधन रहेगा या फिर नहीं, इसको लेकर सवाल अब भी बरकरार है। यहाँ पर